हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन पास किया है या लास्ट ईयर में अभी वो है, तो आगे उनको कौन कौन सी गवर्नमेंट और बैंक्स में आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो आपको स्टेट हो सेंट्रल हो, वहां पर आपको क्या अपॉर्चुनिटी आएंगे, क्या किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, बाकी अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर और पीएसयू जॉब की है, उनमें आपका किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है और किस तरीके से उनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपका रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, तो फटाफट से आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आने वाले होते हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको इस चैनल पे पता चलता है। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूले, इस वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ हो सके, जिनसे बाकी सबको भी ये चीजें पता हो। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप सभी क्या करते हो, अलग अलग स्ट्रीम में भी करते हो, तो उनमें भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं आपकी जॉब जो है वो आपकी आती है। इवन कई बार एसएससी के थ्रू सेक्शनल पोस्ट में भी आपकी कई सारी ऐसी वैकेंसी आती है जो आप ध्यान नहीं देते हो और आपको ध्यान देनी चाहिए। आज मैं आपको एक एक वीडियो में मैं आपका कवर अप करूंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो इसमें आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो, एसएससी जीडी कांस्टेबल, फिर आपका एसएससी कांस्टेबल, इस तरीके से आपकी एसएससी के थ्रू वैकेंसी आती है। फिर आपका एसएससी सेक्शनल पोस्ट भी आपकी निकलती है, जिनमें अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपकी मैथ या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या कॉमर्स आपकी है, ठीक है, या आर्ट्स में आपका कोई अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर से किया है या हिंदी से किया है, तो इस तरीके से आपकी सेक्शनल पोस्ट में भी आपकी वैकेंसी आती रहती है। तो इस चैनल पे मैं आपका सेक्शनल पोस्ट में आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन, किन के लिए क्या क्या मांगा गया, वो भी मैं आपको कहीं कहीं बताता रहता हूं। तो आप ध्यान से इस चैनल के वीडियो को देखा करिए, क्योंकि उनमें सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो उन पोस्ट के एग्जाम को ध्यान तक नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि भाई जब आप स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, तो स्टेट गवर्नमेंट में आपको ग्रेड बी जॉब से लेके, इवन ग्रेड बी इन द सेंस मतलब जैसे कई जगह आपका आरओ आरओ का एग्जाम होता है, ठीक है, कई जगह कोर्स में आपके एग्जाम होते हैं, स्टेनो के हो गए, जूनियर असिस्टेंट के हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर के आपके हो गए, फिर आरओ आरओ की कोर्स में भी आपकी वैकेंसी निकलती है। स्टेट में अगर हम बात करें तो नायब तहसीलदार, ठीक है, फिर आपका ये आपका वीडियो लेखपाल, इस तरीके से आपकी स्टेट में भी वैकेंसी मिलती है, तो इनके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाकी आपके लिए एक बड़ा फैक्टर है कि आप डी ट्रिपल एस बी के थ्रू आपकी जितनी भी वैकेंसी आती है उनके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब डी ट्रिपल एस बी में क्या है कि आपको जितने भी अलाउंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही आपको सारे दिए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली बाकी जो हो गए वो संघ शासित आपके प्रदेश रहती है। अब उसके उसमें आपको क्या है, उसमें आपका स्टेनो से लेके प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट से लेके हेड क्लर्क आपका आता है, फिर इसके बाद आपका अलग अलग पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट आपका आता है, ठीक है, बाकी आपका जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एमटीएस, इन सभी वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं नोटिफिकेशन किस किस तरीके से आपका एग्जाम होता है वो एक एक वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के, क्योंकि अभी मैंने आपको गवर्नमेंट में आपका सेंट्रल स्टेट दोनों बता दिए हैं, अब बैंकिंग सेक्टर में आपका बात करते हैं, तो आपका इसमें आईबीपीएस क्लर्क पीओ, ठीक है, बाकी अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन तो इसमें स्केल टू स्केल थ्री के भी फॉर्म आते हैं, फिर आईबीपीएस में आरआरबी क्लर्क पीओ के आपके फॉर्म आते हैं, इसके अलावा एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, बाकी आपका जो अलग बैंक है जैसे केनरा बैंक का आपका पीओ क्लर्क का अलग सा नोटिफिकेशन आपका आता था, ठीक है, इसमें आपका ईसीजीसी पीओ सिडबी ग्रेड ए के आपके फॉर्म जो है वो आपके कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में आते हैं। आरबीआई में आपका ग्रेड बी और असिस्टेंट के फॉर्म आपके निकलते हैं, और कहीं ना कहीं आपका आरबीआई में एक और फॉर्म भी आता है, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट इस तरीके से आपके बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है। और अगर आप पीएसयू यूनिट की तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, जैसे आपका इंश्योरेंस में बात करें तो आपका ईएसआईसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपका एनआईएसीएल में आपको मिल सकता है, बाकी कई ऑल इंडिया इंश्योरेंस, कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो है जो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी देती है। इसके अलावा बात करें तो नाबार्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ग्रेड ए ग्रेड बी में भी आपकी वैकेंसी वहां पर आपकी निकलती है। इसके अलावा आपका एलआईसी
एलआईसी में एलआईसी डबल ए असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी आपका आने वाला है, तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एफसीआई में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्स है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन के बाद देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी की, लेकिन क्या इन अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हो, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं, तो जितना भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके चार सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, ठीक है, चार सब्जेक्ट आपके आते हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले आपका स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहां पर कई बार सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग और जीएस सेम रहता है, क्वाड भी लगभग लगभग आता है, बस इंग्लिश की जगह आपकी हिंदी रिप्लेस कर दी जाती है कुछ जगह पे, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल और स्टेट का सिलेबस हो गया। बाकी अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में भी यही चार सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आपका पेपर होता है वो कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में जो आपका आता है उससे काफी हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की करने की जरूरत है एज कम्पेयर टू एसएससी। तो अगर आप दोनों के लिए जाना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दें, टेक्स्ट बुक के आप मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएससी यूनिट में, तो पीएससी यूनिट में भी जो आपका पेपर ईसीएसआईसी एलआईसी एनआईएसईएल, ठीक है, इसमें भी आपको जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है वो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपके एग्जाम्स का पेपर आता है वो लगभग इक्वल रहता है, थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन बाकी जगह आपका सिलेबस जो रहता है वो लगभग लगभग सेम रहता है। अगर आप एक ही सिलेबस लगातार पढ़ते हो तो आपके लिए कई ऐसी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर और पीएससी यूनिट में जो आपके लिए क्रिएट होती है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको ये लग रहा है नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से हम किस बुक से प्रिपेयर करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं एक वीडियो बना के ऑलरेडी मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में आप शेयर करें, जिससे उनको भी इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल सके। बाकी इसके अलावा मैं एक एक करके वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। ओके।